हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ एमएससी जूलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आपको सेकंड पेपर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। फर्स्ट पेपर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, एंड जितने भी एमएससी जूलॉजी के पेपर है प्रीवियस ईयर, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो ये इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी है सेकेंड पेपर आपका। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का आता है ये। एंड देर आर 5 क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। एंड क्वेश्चन जो अदर क्वेश्चन जो है सेक्शन में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। एंड सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी इंक्लूडिंग फर्स्ट क्वेश्चन आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन ब्रीफ, विच इच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। तो आपको जो इसमें एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें से इसमें जितने भी ए बी सी हैं सबको अटेम्प्ट करना है, जो कि दो दो नंबर के होते हैं, और इसको आपको 200 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये आपको बताना है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एसिड रेनफॉल क्या होता है, एंड फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ये आपको राइट करना है। सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए में व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स, जिसमें आपको 1000 वर्ड्स के आंसर देने होते हैं एक क्वेश्चन। डिस्कस हाउ दे कैन बी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो मैं थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर है, तो आई डोंट वांट कि आप ज़्यादा टाइम इसमें लगाएं। एंड बस आपको एक बार इसको देख लीजिए, एंड इसके नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे एमएससी जूलॉजी से, तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। एंड बायो इंडिकेटर्स क्या है, डिस्कस हाउ दे कैन बी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ इकोलॉजिकल इफेक्ट्स। राइट एन एशे ऑन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोलॉजिकल पॉल्यूशन लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। वॉट इज़ फूड चेन, आपको ये बताना है, और डिस्क्राइब डिफरेंट फूड चेन्स बाई गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स, आपको फूड चेन्स के बारे में बताना है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, जिसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। गिव शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग, जिसमें आपको पॉपुलेशन क्या है, आर एन के स्पीसीज क्या होते हैं, ये आपको अटेम्प्ट करना है। गिव ब्रीव आंसर ऑफ द फॉलोइंग, अर्थ समिट क्या होता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट क्या है, और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड मिनीमाथा डिजीज़ क्या होता है, ये आपको बताना है। राइट इन ब्रीफ वेटलैंड्स क्या होते हैं, एंड कोपेनहेगन समिट क्या होता है। सो ये ओवरऑल आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस था, जो कि सेकेंड पेपर है एमएससी जूलॉजी का। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।